वेलकम बैक टू वी टू ट्रैवल एंड एक्सप्लोर। तो कैसे हैं आप लोग? सो फाइनली 2021 आ चुका है और 2021 की शुरुआत एक अच्छे डेस्टिनेशन से होनी चाहिए। तो चलिए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं एक नई डेस्टिनेशन से। आइए आपको मैं लेकर के चलता हूँ उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में बसे एक बहुत ही खूबसूरत और छोटे से गांव में, जो कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने के साथ साथ एक धार्मिक स्थल भी है। मैं बात कर रहा हूँ मुक्तेश्वर की। चलिए मेरे साथ ये जर्नी शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं कि मुक्तेश्वर पहुंचा कैसे जाए। सो, अगर आप अपनी जर्नी ट्रेन से प्लान कर रहे हैं तो काठगोदाम रेलवे स्टेशन सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है मुक्तेश्वर से, और यह रेलवे स्टेशन कई सारी मेजर सिटीज से कनेक्टेड है, जैसे कि दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता। सो, आप इजीली यहां पे बाय ट्रेन पहुँच सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ दिल्ली से काठगोदाम के लिए, हर दिन में 2 ट्रेनें चलती हैं। काठगोदाम रेलवे स्टेशन पहुँचने के बाद आपको यहाँ से टैक्सी की सुविधा मिल जाती है। इसके अलावा आप काठगोदाम से बस की सुविधा भी ले सकते हैं। अगर आप अपनी जर्नी बाय रोड प्लान कर रहे हैं तो आप बस, टैक्सी और अपने व्हीकल से भी इजीली यहाँ आ सकते हैं। आनंद विहार ISBT से आपको नैनीताल, भीमताल, अल्मोड़ा और मुक्तेश्वर के लिए बस फैसिलिटी मिल जाती है। अगर आपको रोड ट्रिप एंजॉय करना अच्छा लगता है या फिर सीनिक व्यूज एंजॉय करना चाहते हैं जो कि बेहद खूबसूरत हैं, तो बेस्ट है कि आप अपने व्हीकल से आएं या फिर काठगोदाम से टैक्सी लेकर भी आ सकते हैं। चलिए बात करते हैं कौन सा सीजन बेस्ट है मुक्तेश्वर जाने के लिए। वैसे तो आप मुक्तेश्वर किसी भी सीजन में विजिट कर सकते हैं, फिर चाहे वो समर्स हो, विंटर्स हो या फिर मॉनसून। मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप मॉनसून्स में ट्रैवल कर रहे हैं तो पहले से ही वेदर फोरकास्ट देख करके जाएं। इसके अलावा अगर आप विंटर्स में स्नोफॉल देखना चाहते हैं सो आप दिसंबर एंड और फरवरी मिड तक यहाँ पे आ सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी नैनीताल या भीमताल के लिए अपना वेकेशन प्लान कर चुके हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि एक दिन आप जरूर स्पेंड करें मुक्तेश्वर में। सो, आप नैनीताल से टैक्सी लेकर के डायरेक्ट मुक्तेश्वर आ सकते हैं। मुक्तेश्वर आने के बाद आपका स्टे कहाँ होना चाहिए? सो, मुक्तेश्वर में आपको हर तरह के होटल्स, रिजॉर्ट्स, होम स्टेज, हॉस्टल्स सब आपको अवेलेबल हो जाएंगे, और आपके बजट में भी। अगर आप सीजन में ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ऑनलाइन बुकिंग करा करके आएं। KMVN टूरिस्ट रेस्ट हाउस एक बेस्ट ऑप्शन है आपके स्टे के लिए मुक्तेश्वर में। KMVN से आपको हिमालय का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखता है। आप अपनी बुकिंग ऑनलाइन भी करा सकते हैं, इसके अलावा आप डायरेक्टली बुकिंग भी कर सकते हैं।
चलिए फाइनली हम आते हैं सबसे एक्साइटिंग टॉपिक पे कि हम यहाँ आकर क्या क्या लोकेशंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मुक्तेश्वर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने के साथ साथ एक धार्मिक स्थल भी है। मुक्तेश्वर धाम एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो कि भगवान शिव को समर्पित है। वैसे तो मुक्तेश्वर का नाम इस 350 साल पुराने शिव मंदिर से ही आता है। यह मंदिर समुद्र तल से 2300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहां से आप पूरे मुक्तेश्वर का एक अद्भुत नजारा देख सकते हैं। मुक्तेश्वर धाम से ही आप फेमस हैंगिंग रॉक पॉइंट चौली की जाली जा सकते हैं, जिसे चौकी की जाली के नाम से भी जाना जाता है, जो फेमस है नेचर लवर्स और एडवेंचर सीकर्स के लिए। यहाँ से आप हिमालयन रेंज और कुमाऊं वैली का एक शानदार नज़ारे का लुत्फ़ उठा सकते हैं। अगर आप चौली की जाली जाते हैं तो आपको मैं रिकमेंड करूँगी कि 4 बजे के आसपास जाएं, ताकि आप सनसेट का आनंद उठा पाएं जो बेहद ही खूबसूरत लगता है। KMVN रेस्ट हाउस के सामने आपको हिमालय व्यू पॉइंट मिल जाएगा, जहां से आप पूरा हिमालय दर्शन कर सकते हैं, जिसमें कि आप नंदा देवी पर्वत, त्रिशूल पर्वत और पांचाचोली पर्वत को आप इजीली देख सकते हैं। मुक्तेश्वर से लौटते हुए आप भालूगढ़ वाटरफॉल जा सकते हैं। कुमाऊं में आप आए हैं और अगर आपने कुमाऊनी फूड एंजॉय नहीं किया तो फिर आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। मुक्तेश्वर से लौटते हुए आप विजिट कर सकते हैं निर्वाणा ऑर्गेनिक किचन। सो वी होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और जो इन्फॉर्मेशन हमने शेयर करी है वो आपके लिए हेल्पफुल हो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जर्नी के साथ एक नए डेस्टिनेशन पे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।